आज सहारनपुर के ग्राम प्रधान संगठनों ने मिलकर अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधानों ने बताया कि ग्राम सचिव व लेखपाल गांव में कार्य नहीं कर रहे हैं, जिस कारण उनकी ग्राम सभा में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जिससे अनेक छोटी छोटी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। उन्हीं के समाधान कराने के लिए आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। जिलाधिकारी सहारनपुर का कहना है कि रामपुर मनिहारान के गांव में प्रधान व सचिव के बीच कुछ मामला हुआ था, जिसको लेकर प्रधानों ने ज्ञापन सौंपा है। जांच कराने के बाद कार्यवाही की जाएगी। देखिए, ये रामपुर जो है तहसील में गांव है, उस गांव के प्रधान और जो पंचायत सेक्रेटरी, इनके मध्य कल कुछ बातचीत रही थी। कुछ शायद अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर पंचायत सेक्रेटरी ने एक FIR कराई है। उस FIR के खिलाफ यहाँ ग्राम पंचायत संगठन जो है ग्राम प्रधानों का है, उसने अपना एक ज्ञापन यहाँ पर दिया है। उस ज्ञापन में जो भी तथ्य हैं, उस तथ्यों की जो है गहराई से हम लोग जांच कराएंगे और किसी का भी उत्पीड़न नहीं रहेगा, पर जो है जो सही तथ्य रहेंगे, सही तथ्य के आधार पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे। मेरा नाम रोहित कुमार, ग्राम प्रधान धार की रामपुर ब्लॉक में। क्या मामला हो रहा है? ये सेक्रेटरी आई समथिंग मेरे गांव में, पिछले 2-3 महीने कोई कार्य नहीं कराया उसने, कोई खाता खुदता सही तरीके से चालू करवाया। मैं वीडियो पंचायत साहब सबको अवगत कराया दिया, जब वो कुछ नहीं काम किया फिर मैंने परसों कहा भाई ये तो मेरे गांव को काम कर ले। उसने फर्जी तरीके सेक्रेटरी को सबको इकट्ठा करके प्रधानों पर दबाव बनाने के लिए मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा रामपुर थाने में दर्ज करवाया दिया। कोतवाल साहब को सच्चाई का पता, वीडियो साहब भी कह रहे कोई गलत है, मुकदमा आपके खिलाफ लिखवाया गया और पूरा मनमानी चल रही, कोई गाँव में विकास नहीं कराया जा रहा। और सचिव ये कह रहा है कि आपको झूठे मुकदमे जेल भिजवाऊंगा। ये मामला जिलाधिकारी साहब कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे पूरे मामले की। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।